बेडमी आलू छोले की इस प्लेट को खाने के लिए लोग हैं दीवाने और कहते हैं कि अगर आपको करना हो सबसे बेहतरीन नाश्ता तो गोपाल स्वीट कॉर्नर की ये आलू पूड़ी की प्लेट एक बार अगर आपने खा ली तो आपको भी मजा आ जाएगा। आइए चलते और आपको दिखाते हैं किस तरीके से इसे तैयार किया जाता है। ये देखिए जनाब, यहाँ पे अब तैयार होने जा रही है दिल्ली की वन ऑफ दी बेस्ट बेडमी पूरी जो आप शायद अपनी लाइफ में कभी खाएंगे, और ये आपको मिलती है गोपाल स्वीट कॉर्नर कमला नगर में। भाई कहते हैं कि जितने फेमस यहाँ पे आपको ब्रेड पकौड़े हैं उतनी ही फेमस यहाँ की ये बेडवी पूड़ी है, और इसीलिए शायद कढ़ाई भर भर के यहाँ पे बेड़ाई पूड़ी और साथ में जो सब्जी है ये आलू की छोले की और दही के साथ जो आपको दी जाती है ना, वो आप एक बार खा लेंगे ना तो आप इसके मुरीद हो जाएंगे। ये देखिए भाई, बेड़ाई पूड़ी को यहाँ पे सर्व किया जाता है छोले और आलू की सब्जी के साथ। एक बहुत ही डेडली कॉम्बिनेशन है छोले और आलू की सब्जी का, और ये बहुत बढ़िया बहुत चटपट होता है। हींग वाले आलू होते हैं और साथ में बहुत ही मसालेदार और चटपटे चने होते हैं। और भाई देखिए कैसे कटोरी दर कटोरी यहाँ पे लगती है और ऊपर से आती है ये दही। भाई ये है एक स्पेशल 75 रुपए की प्लेट जो आपको अपनी लाइफ में मेरी रिकमेंडेशन में एक बार ट्राई जरूर करनी चाहिए। ये देखिए जी, यहाँ पे जो पूड़ी और सब्जी है उसको सर्व किया जाता है एक बहुत ही स्पेशल कचालू के अचार के साथ। अब यहाँ पे जो आप ये देख रहे हैं ये है स्पेशल कचालू का अचार जो कि आपको सिर्फ यहीं पे मिलता है, और इसके साथ जो पूड़ी खाने का स्वाद है ना भाई, वो चार गुना ज़्यादा जो है वो बढ़ जाता है। बहुत टेस्टी यहाँ पे इनकी पूड़ी है और साथ में ये कचालू का अचार, और कचालू के अचार के साथ आपको सर्व किया जाता है ये एक मिर्ची का अचार भी। ये देखिए, ये भी बड़ा मसालेदार बड़ा चटपटा रहता है, और इस अचार के साथ भी पेड़ाई पूड़ी खाने का जो स्वाद है वो भी दो गुना ज़्यादा बढ़ जाता है। तो भाई क्यों है ये यहाँ का सबसे बेहतरीन नाश्ता? इस पूड़ियों की क्वांटिटी को देख के आप ये अंदाज़ा लगा ही चुके होंगे कि सबसे पहले लिया जाता है बेड़ाई का आटा, उसमें बढ़ी जाती है दाल की पिट्ठी। तो ये उड़द की दाल की पिट्ठी रहती है जिसके अंदर बहुत सारे मसालों का मिश्रण रहता है। बहुत अमेजिंग तरीके से इसे तैयार किया जाता है, और एक एक करके हर एक पूड़ी के अंदर इस दाल की पिट्ठी को भरा जाता है। जो बेड़ाई का आटा होता है वो बाकी आटों से थोड़ा सा दरदरा रहता है, मोटा रहता है, और उसके बाद जो आपको फ्लेवर आता है ना इसको खाने का, वो बहुत ही लाजवाब होता है। ये देखिए कैसे एक एक करके सारे के सारे पेड़ों के अंदर यहाँ पे ये दाल की पिट्ठी को भरा जाता है, और उसके बाद काउंटर पे दिया जाता है इसे फ्राई करने के लिए। भाई आप देख सकते हैं कि कितनी सारी क्वांटिटी में यहाँ पे कॉन्टिन्यूसली रिफिलिंग होती रहती है। अब ये है यहाँ पे आलू की सब्जी जिसमें दाल की पकौड़ी डाली जाती है, तो भाई ये बहुत डिफरेंट चीज़ है जो आपको शायद सिर्फ यहीं पे देखने को मिले। और देखिए जैसे कि आपने देखा कि अभी इन्होंने पतीला भरा था आलू का, अब यहाँ पे छोले का पतीला भरा जा रहा है, और ये भी रहता है दाल की बहुत ही स्पेशल पकौड़ी के साथ। ये देखिए अब यहाँ पे लगने जा रही थी सबसे बेस्ट बेड़ाई और आलू और छोले की प्लेट। सबसे पहले इसमें आते हैं छोले, ये देखिए सबसे पहले आए छोले, ऊपर से आई है आलू, साथ में आई इसमें दाल की ये पकौड़ी, ये है जी मेथी की चटनी, ऊपर से आई इसमें ये दही, और साथ में इसमें आती है दो ये बेड़ाई। ये प्लेट जो आप देख रहे हैं ये है 75 रुपए की प्लेट, एंड टेक माई वर्ड दिस इज प्रॉबली वन ऑफ द बेस्ट छोले पूड़ी आलू की प्लेट जो आपको दिल्ली में मिलेगी।